नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले ओलर आईडी स्पूफिंग अटैक के बारे में। इस अटैक के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक ओलर आईडी स्पूफिंग अटैक। ठीक है, तो स्पूफिंग अटैक क्या होता है इसके बारे में पहले वीडियो में देख चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो। ठीक है, स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? कोई और होने का दिखावा करना, कोई और होने का दिखावा करके चकमा देना, धोखा देना। ठीक है, किसी अन्य की पहचान का उपयोग करके उसको बोलते हैं स्पूफिंग। तो कॉलर आईडी का इस्तेमाल करके जब वो स्पूफिंग की जाती है तो उसको कॉलर आईडी स्पूफिंग अटैक बोला जाता है। ठीक है, कॉलर आईडी स्पूफिंग अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो एक साइबर अटैक का टाइप है, साइबर हमले का प्रकार है। व्हेन एन अटैकर फॉल्सिफाइज द कॉलर आईडी इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द रेसिपिएंट्स फोन और कम्युनिकेशन डिवाइस। जहां पर जो अटैकर होगा वो क्या करेगा, जो जिसको वो टारगेट करेगा, जिसको अटैकर ने टारगेट करेगा, जो रेसिपिएंट्स होगा, जो प्राप्त करता होगा उस फोन का, उस कॉलर का, कॉल का या कम्युनिकेशन डिवाइस होगा, उसमें जो कॉलर आईडी की इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले होगी दर्शाई जाएगी, वो गलत इन्फॉर्मेशन दर्शाई जाएगी। ठीक है, तो गलत इन्फॉर्मेशन का यूज करेगा अटैकर कॉलर आईडी के लिए, कॉलर आईडी जो गलत इन्फॉर्मेशन उसका यूज करेगा डिस्प्ले करने के लिए रेसिपिएंट्स के फोन में या कम्युनिकेशन डिवाइस में। ठीक है, बाय डिसयूजिंग देयर आइडेंटिटी अटैकर्स कैन ट्रिक इंडिविजुअल्स इनटू आंसरिंग कॉल्स। ठीक है, तो जो अटैकर होगा वो जो हमारे कहते हैं इंडिविजुअल्स व्यक्ति होंगे, जब वो आंसर करेंगे कॉल का, तो उनको क्या कर सकता है, चकमा दे सकता है, क्या करके, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बदल करके, उसका भेष बदल करके, जो आइडेंटिटी है उसको चेंज कर करके वो क्या कर सकता है, जो अटैकर से ट्रिक कर सकता है, चकमा दे सकता है, धोखा दे सकता है इंडिविजुअल व्यक्तियों को। क्लियर है बात? तो इसी तरीके से जो कॉलर आईडी है उसको बदल करके, उसको ऐसा दिखा करके वो किसी वैलिड, किसी ट्रस्टवर्दी, किसी सही जगह से कॉल आई है उसका स्पूफ करके वो क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है इंडिविजुअल्स को। क्लियर है? यहां पर आप चित्र से समझ सकते हैं इसको, समझाता हूं मैं आपको। ये एक फ्रॉडस्टर है, एक धोखेबाज है। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉल करेगा, इसका मान लीजिए ये नंबर है। क्लियर है ये बात? ये कॉल मिलाता है इस नंबर पर, इस नंबर से क्या करता है, कॉल करता है। क्लियर है? अब ये क्या करेगा, जो रेसिपिएंट्स का डिवाइस है, मान लीजिए रूथ नाम से रेसिपिएंट्स है, इसका नाम रूथ है, जो रेसिपिएंट्स का डिवाइस है, फोन है, इसमें क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा बैंक अकाउंट मैनेजर। तो ये क्या करता है, फॉल्स गलत इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, दर्शाता है रेसिपिएंट्स, जो रेसिपिएंट्स है जो रिसीव करने प्राप्त करता है उस कॉल का, उसके डिवाइस में नंबर इसका ये है, लेकिन दिखा क्या रहा है, ये बैंक अकाउंट मैनेजर। ठीक है, तो इस तरीके से स्पूफिंग करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्पूफिंग अटैक क्या होता है, कॉलर आईडी स्पूफिंग अटैक। ठीक है, तो अ स्कैमर यूजेस कॉलर आईडी स्पूफिंग टू मेक इट अपीयर एज थ्रू दे आर कॉलिंग फ्रॉम अ लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कॉलर आईडी स्पूफिंग क्या होती है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट को। ठीक है, अ स्कैमर uses caller ID spoofing to make it appear as though they are calling from a legitimate organization such as bank, government agency. तो एक जो scammer होगा, घोटालेबाज होगा, वो क्या करेगा, caller ID spoofing का इस्तेमाल करेगा ऐसा दिखाने के लिए कि वो जो call कर रहा है वो एक legitimate organization से है, एक वैध संगठन से है, एक सही संगठन से है। ठीक है, जो एक valid है, such as bank, जैसे कि bank से है call, या फिर government agency से है, government संस्था से है, ठीक है, सरकारी संस्था से है, ऐसा वो दर्शाएगा, appear होगा। ठीक है, they contact unsuspecting individuals and claim there is an issue with their account or they owe money. ठीक है, तो वे क्या करेंगे, वे contact ऐसे बंदों को contact करेंगे जो unsuspecting होंगे, जो अनजान होंगे इस व्यक्ति से, इन frauds वगैरह से, individuals व्यक्तियों से क्या करेंगे, contact करेंगे and claim करेंगे कि उनके जो account है, यह दावा करेंगे कि उनके account में issue है, कुछ problem है and they owe money और उन्होंने क्या कहते हैं, कुछ पैसा उधार ले रखा है, ऐसा वो दावा करेंगे। The recipient seeing the spoofed caller ID may more likely to trust the call and provide sensitive information. तो जो recipient होगा, जो प्राप्त करता होगा उस call का, जो उस call को उठाएगा, वो spoofed caller ID को देखेगा, उसको लगेगा भाई bank manager का call है, तो वो क्या करेगा, more likely वो trust करेगा उस पर ज्यादा call पर, और क्या करेगा, अपनी जो sensitive information, संवेदनशील जानकारी है, जैसे कि उसकी personal identification detail होगी, personal information होगी, financial detail होगी, उसकी financial account की जो account number हो गया। ठीक है, वो क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा, दे देगा उस स्कैमर को, उस घोटालेबाज को, विच द स्कैमर देन एक्सप्लॉइट्स फॉर फ्रॉडलेंट पर्पसेस। तो फिर जो स्कैमर होगा, जो घोटालेबाज होगा, उन डिटेल्स का इस्तेमाल करेगा फ्रॉडलेंट, धोखाधड़ी वाले उद्देश्यों के लिए। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, जो स्कैमर एक्सप्लॉइट करेगा, यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, फायदा उठाएगा उस जानकारी का,
एक्सप्लोइट करके फायदा उठा के फ्रॉडलेंट जो धोखाधड़ी वाले पर्पज है उद्देश्य उनको पूरा करने के लिए. दैट डिश डेमोस्ट्रेट्स हाउ कॉलर आईडी स्पूफिंग कैन यूज टू डिसीव इंडिविजुअल्स एंड पर्पेट्रेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड. तो यह हमें दर्शाता है कि कैसे, ये एग्जाम्पल हमने जो देखा यह भी हमें दर्शाता है कैसे कॉलर आईडी स्पूफिंग का इस्तेमाल करके यूजर्स को, जो रेसिपेंट्स है जो फोन को उठाएंगे कॉलर है उनको धोखा दिया जा सकता है, इंडिविजुअल्स जो व्यक्ति हैं उनको धोखा दिया जा सकता है और वेरियस फॉर्म में जो हमारे फ्रॉड है उनको करा जा सकता है. ठीक है, बहुत प्रकार के हमारे जो फॉर्म कहते हैं फ्रॉड है, धोखे हैं, उनको अंजाम दिया जा सकता है, पर्पेट्रेट किया जा सकता है, उनको अंजाम दिया जा सकता है. ठीक है, एक बार उसने क्या कर दिया, उसको धोखा दे, दोबारा भी धोखा दे सकता है ना, तो और कई तरीकों से उसके साथ फ्रॉड कर सकता है. क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, कॉलर आईडी स्पूफिंग का एग्जांपल था. कॉलर आईडी क्या होती है इसके बारे में हमने समझ लिया, कॉलर आईडी स्पूफिंग क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है. ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो. और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं. मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच अगेन.